बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन राज्यसभा जाएंगे, नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा पहुंच चुके हैं। जॉर्ज कुरियन के प्रस्तावक बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 3 सितंबर को राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। यादव और जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश के कोटे से निर्विरोध चुने जाएंगे, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। आप सीधी तस्वीरें विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। तमाम सारे संगठन के पदाधिकारी हैं और तमाम सारे कैबिनेट के सहयोगी हैं। जॉर्ज कुरियन आप देखेंगे तस्वीरों में, तमाम सारे बीजेपी के सीनियर लीडर नामांकन में शामिल हो रहे हैं और कुछ ही देर के बाद, करीब से 5 से 10 मिनट के बाद, नामांकन फाइल करने के बाद जॉर्ज कुरियन यहाँ पे आएंगे, बातचीत करेंगे और मध्य प्रदेश को लेकर उनका क्या विजन है उसके बारे में भी जॉर्ज कुरियन यहाँ पे चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, तमाम सारे कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री भी यहां पहुंचे हुए हैं। राव उदय प्रताप सिंह, तुलसी सिलावट, ये तमाम सारे मंत्री हैं जो नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे हैं फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि विधानसभा तो पहुंच चुके हैं, 3 सितंबर को राज्यसभा में वोटिंग होगी, लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री उनके प्रस्तावक बने। और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिएगा विवेक। देखिए अंदर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जॉर्ज कुरियन गए हैं तमाम सारे बीजेपी के नेता के बाद, और करीब 5 से 10 मिनट ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। जो नॉमिनेशन फाइल होगा, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जॉर्ज कुरियन यहाँ पे मीडिया से चर्चा करेंगे। आप देखेंगे तस्वीरों में कि अंदर रिटर्निंग ऑफिसर का ये पूरा कैबिन है, इसी के अंदर गए हैं और कल आज आखिरी डेट है और लिहाजा कल जो नामांकन पत्र है उसकी समीक्षा जाँच की जाएगी और नाम निर्देश अपना जो उसकी तारीख 27 अगस्त की गई है और मतदान की तारीख अगर आवश्यक हुआ, हालांकि निर्विरोध चुने जाएंगे इसलिए मतदान आवश्यक नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 3 सितंबर को मतों की गणना होगी और जब निर्विरोध चुने जाएंगे तो मतों की गणना का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और मध्य प्रदेश के कोटे से 2026 तक जॉर्ज कुरियन यहाँ से राज्यसभा के लिए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी की तीसरी टर्म में, तीसरे कार्यकाल में जॉर्ज कुरियन केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और उनके पास पशुपालन तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। देखिए जॉर्ज कुरियन जिनका नाम जब सामने आया, हालांकि चौंकाने वाला नाम था, लेकिन कई नाम थे विवेक जो इस लिस्ट में शामिल थे। नरोत्तम मिश्रा की चाहे हम बात करें, इसके साथ ही देखिए चाहे केपी यादव की बात करें, लेकिन उन नामों के बाद आखिरकार बीजेपी ने भरोसा जताया जॉर्ज कुरियन को, जिनको अब राज्यसभा भेजा जा रहा है। विवेक बिल्कुल सही बात है, जॉर्ज कुरियन के अलावा मध्य प्रदेश से कई और नाम थे, नरोत्तम मिश्रा थे, काफ़ी सीनियर मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा केपी यादव सिंधिया के क्षेत्र से आते हैं और अमित शाह ने उनका उनके बारे में कहा था कि केपी यादव बेहतर काम कर रहे हैं और इसका उनको फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन केपी यादव, जयभान सिंह पवैया, नरोत्तम मिश्रा जैसे कई बड़े चेहरे जो राज्यसभा के लिए दौड़ पे थे, हालांकि एक बात जो निकल के सामने आई कि नरोत्तम मिश्रा ने खुद ही मना कर दिया, क्योंकि काफ़ी कम कार्यकाल है ये जो जॉर्ज कुरियन 2 साल के लिए मध्य प्रदेश से राज्यसभा जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा की इच्छा थी कि 6 साल के लिए वो जाएं, लेकिन कार्यकाल ही सिर्फ 2 साल का है, तो इस लिहाज से और केंद्रीय हाईकमान ने ये फैसला किया कि जॉर्ज कुरियन बिल्कुल ये फैसला बेहद अहम हो जाता है। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास विवेक। तो देखिए जॉर्ज कुरियन जो पहुंच चुके हैं विधानसभा, और देखिए बस कुछ ही देर बाद नामांकन भी दाखिल करेंगे।